वेलकम बैक स्टूडेंट्स, क्लास 10th सोशल साइंस। आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है विकास, ठीक है, डेवलपमेंट। इस पर हम सब बात करेंगे आज, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, ठीक है। आपको विकास के बारे में समझना है कि विकास क्या होता है, विकास का मतलब क्या है, व्यक्ति के लिए, देश के लिए, ठीक है, समुदाय के लिए, समूहों के लिए, और किस प्रकार विकास हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, या एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए क्या विरोधी हो सकता है, ठीक है। देश का विकास, एक राष्ट्र का विकास क्या होगा, और विकास को मेजरमेंट करने के या उसको मापने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। इन सब बिंदुओं पर इस अध्याय में बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है आखिरी में, उसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम जो आज की जो क्लास होगी, आज की वीडियो होगी, उसमें हम बेसिकली विकास को डिफाइन करेंगे और विकास के जो विभिन्न आयाम हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, और हम राष्ट्रीय आय या औसत आय, यहाँ तक हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसा कि आप शब्द सुन रहे हो उस चैप्टर का, विकास, ठीक है, डेवलपमेंट, ये बड़ा ही सामान्य सा शब्द है, हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में सुनने को मिलता है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर उठा लो, आप न्यूज़ चैनल देखो, ठीक है, तो आपको तमाम जगह क्या है, विकास का मुद्दा आपको एक तरह से बराबर सुनने को मिलेगा, ठीक है। विकास के ही मुद्दे पर, यहाँ तक कि राजनीतिक पूरी जो गतिविधियाँ हैं वो एक तरह से निर्भर करती हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी को विकास के ही आधार पर क्या है, क्रिटिसाइज करती है, या अपने को या अपने शासन प्रशासन को बेहतर बताती है, ठीक है। तो आखिरकार ये विकास है क्या, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो विकास को जाने से पहले कुछ और टर्मिनोलॉजी भी हम देखने को मिलता है, जैसे ग्रोथ, प्रोग्रेस, विकास, डेवलपमेंट, या वृद्धि, प्रगति, विकास, समृद्धि, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं बेटा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ अंतर लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ या वृद्धि, वृद्धि का सीधा अर्थ होता है कि किसी चीज का इंक्रीज होना या घटना या बढ़ना, ठीक है। घटने को तो नहीं लेंगे, लेकिन वृद्धि का मतलब है एक समय पर जो हम थे वो उस अवस्था से दूसरी अवस्था में जब हम पहुंच जाएंगे, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसको हम वृद्धि कहते हैं। कह सकते हो कल को हमारे पास 10 रुपये थे, आज वो हमारे पास 50 रुपये हो गए हैं, तो हम कहेंगे वृद्धि हुई है। कल हम 5 फुट के थे, आज 5.5 फुट के हो गए, तो कहेंगे कि वृद्धि हुई है। कल हम 50 किलो के थे, आज हम 70 किलो के हो गए, तो कहेंगे कि वजन में वृद्धि हुई है। तो आप देख रहे हो कि वृद्धि क्या है, एक तरह से मात्रात्मक है, यानी क्वांटिटेटिव है, यानी क्वांटिटेटिव चीज़ों को बता रहा है, ठीक है, भौतिक चीज़ों को बता रहा है, अर्थात ऐसी वृद्धि जिसको आप देख पा रहे हो बढ़ते हुए। 10 रुपये थे, 50 हो गए, आप देख पा रहे हो 10 का 50, पहले 50 किलो के थे, 70 हो गए, उसको देख पा रहे हो। तो यानी कि संख्या रूप में जब किसी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज होना, या मात्रात्मक रूप में बढ़ना, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। और यह भौतिक रूप में बढ़ता है, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं बढ़ते हुए, ठीक है, तो इसको कहते हैं वृद्धि। तो ये थोड़ा सा संकीर्ण अर्थ लिए हुए हैं। अब जैसे गरीबी में वृद्धि हो गई, यानी पहले गरीब की संख्या 10 थी, आज 50 हो गई, तो आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ नहीं। इसीलिए वृद्धि क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज होना, भौतिक रूप से या मात्रात्मक रूप से, उसे हम वृद्धि कहते हैं, ठीक है। चाहे वो रुपए में वृद्धि हो गई, चाहे वजन में वृद्धि हो जाए, चाहे गरीबी में वृद्धि हो जाए, चाहे साक्षर दर में वृद्धि हो, दोनों ही तरीकों से वृद्धि को हम, या इंक्रीजमेंट को क्या हम वृद्धि कहते हैं। ये एक संकीर्ण एक अर्थ है। वहीं विकास एक बहुआयामी अर्थ को लिए हुए होता है, ठीक है।
यह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव जब मेजरमेंट हम करते हैं, यानी कि वृद्धि तो हो और वो वृद्धि ऐसा हो जो बेहतरी लेकर आए, शुभ लेकर आए, अच्छा लेकर आए, अच्छाई लेकर आए, सकारात्मक हो, ठीक है, तो उसे हम विकास कहते हैं। हम देखेंगे डिटेल में विकास में क्या क्या चीजें आती हैं। प्रगति, प्रगति एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, अर्थात एक अवस्था से दूसरे अवस्था में हम पहुंचे, तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंचने की जो प्रक्रिया हुई उसको हम प्रगति कहते हैं, ठीक है। ये भी सकारात्मक होती है, अर्थात हम पहली अवस्था से अगर अच्छी अवस्था की तरफ बढ़े हैं तो हम प्रगति कहेंगे, अगर पहली अवस्था से बढ़े तो हैं लेकिन नीचे की तरफ बढ़े हैं या उल्टी अवस्था में बढ़े हैं तो उसको प्रगति हम नहीं कहते, ह्रास कहते हैं, ठीक है। तो वृद्धि, प्रगति और विकास, तो इनको हमने समझ लिया है, ठीक है। तो हम अब विकास पर आते हैं, जो कि हमें विकास के बारे में पढ़ना है। हालांकि हम वृद्धि, प्रगति, समृद्धि इन सब चीज़ों को क्या है, हम विकास से जोड़कर देखते हैं, ठीक है। तो विकास एक ब्रॉड टर्म है, इस विकास के अंदर वृद्धि, प्रगति, समृद्धि सब कुछ समाहित है, ठीक है। तो विकास का एक छोटा हिस्सा है वृद्धि, ठीक, चाहे वो एक व्यक्ति के संबंध में हो, चाहे वो एक समुदाय के संबंध में हो, चाहे एक स्टेट के संबंध में हो, चाहे एक राष्ट्र के संबंध में हो, ठीक है। तो हम देखेंगे धीरे धीरे क्या है। जैसे कि हर व्यक्ति ये सोचे कि हम, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, हमें कैसा जीवन चाहिए, वो एक बेहतर जीवन को किस प्रकार से कल्पना कर सकता है, एक अच्छा जीवन क्या हो और एक अच्छे जीवन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब अवधारणाओं को क्या है, हम विकास के संबंध में रखते हैं, अर्थात एक व्यक्ति कि जो इच्छा है, वह जो बनना चाहता है, वह जो करना चाहता है, अगर उसको कर पाता है तो कहते हैं उस व्यक्ति का विकास हुआ है, ठीक है। वह कैसा जीवन चाहता है, वह कैसा जीवन जीना चाहता है, अगर वो उस जीवन स्तर को प्राप्त कर पाता है या प्राप्त करता है तो कहते हैं कि वह विकास कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो जीवन बेहतर, अपना जीवन को बेहतर बना रहा है। तो इसी प्रकार एक राष्ट्र के रूप में भी हो सकता है विकास, ठीक है, एक देश के संबंध में भी विकास का अर्थ हो सकता है, यानी कि एक देश का विकास होने का मतलब है कि वह देश कैसा होना चाहिए, अर्थात देश लोगों से मिलकर बनता है, वहां के नागरिकों से मिलकर बनता है, देश अमूर्त है, ठीक है, उसको आप देख नहीं सकते, समझ रहे, राष्ट्र को आप देख नहीं सकते, तो देश के नागरिक ही मिलकर क्या है, एक देश का निर्माण करते हैं, और एक देश का कैसा होना डिपेंड करता है वहां के नागरिक या वहां के रहने वाले लोग कैसे हैं, ठीक है, लोगों को क्या सारे संसाधनों की पूर्ति हो रही है, लोगों को क्या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, क्या वहां के उस देश के लोग का जीवन बेहतर हो रहा है, ठीक है, क्या उस लोगों के बीच क्या एक गैर बराबरी है या बराबरी की भावना है, क्या सभी लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, क्या सभी एक ऐसा जीवन जी पा रहे हैं जिसमें वह संतुष्ट हों। तो अगर एक राष्ट्र अपने नागरिकों को ये सारी सुविधाएं प्राप्त करा पाता है तो हम उस राष्ट्र के विकास को कहते हैं कि उस देश का विकास बेहतर हुआ है, ठीक है। क्या लोग मिलजुल कर रहते हैं, क्या समाज में किसी प्रकार की वैमनस्यता तो नहीं है, किसी प्रकार कोई खटास, कोई दंगे या कोई इस तरह का कोई ऐसी चीज़ जो नकारात्मक रूप में हो, वह ना हो अगर किसी देश में, किसी राष्ट्र में, तो हम मानते हैं कि वह राष्ट्र विकास कर रहा है, अर्थात उस राष्ट्र में शांति हो, पोषण हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सभी की आवश्यकताएं पूर्ति हो, सभी को उनकी जो भी आवश्यकताएं, सीमित आवश्यकताएं कम से कम उपलब्ध हो, बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो, बेहतर हेल्थ की व्यवस्था उपलब्ध हो, अगर एक राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा पाता है तो हम मानते हैं कि वह देश विकास कर रहा है, ठीक है। तो हम और एक व्यक्ति के संबंध में, एक व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है, जैसे आप सभी बच्चे हो, आप क्या चाहते हो,
आप पढ़ रहे हो, आप क्लास टेंथ में हो, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई वकील बनना चाहेगा, कोई टीचर बनना चाहेगा, कोई चाहेगा उसके पास एक अच्छी सी कार हो, कोई कहेगा उसके पास 2 तल्ले का एक भवन हो, ठीक है? तो ये सारी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, और बहुत से लोग हो सकते हैं वो कहेंगे हम समाज सेवी बनना चाहते हैं, हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, हमारे पास इतना हो जिससे हम दूसरों की सेवा कर सकें, तो उसकी इच्छा ये है। तो किसी व्यक्ति की इच्छा या आकांक्षाओं का पूरा होना, ठीक है, विकास कहलाता है। अगर वो उस चीज़ उस आकांक्षाओं को या इच्छाओं को प्राप्त कर पा रहा है तो कहते हैं उस व्यक्ति का विकास हो रहा है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है। अर्थात विकास का अर्थ होता है एक व्यक्ति के संबंध में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, अगर उसके जीवन में बेहतरी आए, उसका सर्वांगीण विकास हो, चाहे उसके हेल्थ को लेकर हो, चाहे उसकी शिक्षा को लेकर हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर हो, उसके शरीर को लेकर हो, उसकी आय को लेकर हो, उसके बेहतर स्थिति को लेकर हो, समाज में प्रतिष्ठा सम्मान आदर इन सब चीज़ों को लेकर हो, अगर सर्वांगीण यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है, लाइफ के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में अगर विकास वृद्धि हो रही हो तो हम उसको समग्र रूप में विकास कहते हैं, ठीक है। तो एक राष्ट्र के रूप में भी यही है कि उस राष्ट्र के सभी नागरिक बेहतर अवस्था में रहें, उन्हें प्रतिष्ठा सम्मान शिक्षा हेल्थ मिल सके, उनकी आय रोजगार उपलब्ध हो सके, उनके बीच किसी प्रकार की वैमनस्यता ना हो, बराबरी हो, समानता हो, खुशहाल रहें, मिलजुल कर रहें अगर और सुखी रहें। तो ऐसा देश अगर है तो हम कहते हैं उस देश का विकास है। तो विकास का अर्थ यही हुआ कि जीवन में बेहतरी लाना या राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के जीवन स्तर को उठाना बढ़ाना बेहतर बनाना ही क्या है, विकास है। और इस विकास में भौतिक और अभौतिक दोनों तत्व शामिल होंगे, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक राष्ट्र ये सोचता है कैसे हम मिलजुल कर रह सकते हैं, क्या समाज में और अधिक समानता आ सकती है, यानी जो गरीबी या जो अमीरी गरीबी के बीच जो खाई है, असमानताएं हैं, चाहे जातिगत, चाहे आर्थिक, चाहे सांस्कृतिक, चाहे धार्मिक, क्या उन गैर बराबरियों को समाप्त किया जा सकता है, और उस गैर बराबरी को समाप्त करके क्या हम समानता ला सकते हैं। समानता इन द सेंस कि कोई छोटा बड़ा ना हो, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से किसी को विकसित या किसी को अविकसित ना माना जाए, अर्थात किसी को बड़ा या छोटा ना माना जाए। इस भावना को, इस भेदभाव को कम करना क्या एक देश कर सकता है, वो सोचता है, एक देश की इच्छा ये होती है, ठीक है। तो इन्हीं इच्छाओं को क्या है, हम विकास के रूप में देखते हैं, और इन्हीं इच्छाओं को क्या है, हर देश या व्यक्ति पूरा करने का प्रयास करता है, ठीक। विकास इन सभी विचारों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विकास का संबंध सिर्फ अर्थशास्त्र से नहीं है, बल्कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र जैसे अन्य विषयों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्योंकि हम आज जो हैं, हमारा जीवन, हम आज जिस स्थिति में हैं उस पर अतीत का बहुत बड़ा प्रभाव है, ठीक है। आज जैसा देश है, आज जिस अवस्था में है हम, वो अतीत पर निर्भर करता है, यानी हम अतीत में कैसे थे, क्योंकि उसी प्रक्रिया के तो दौर से हम गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर उपनिवेशवाद, हम उपनिवेश नहीं बनते, ब्रिटिश के अधीन नहीं होते, तो शायद हमारी स्थिति आज अलग होती, हमारे पर मुगल शासन नहीं करते हजारों साल, मुसलमानों का शासन नहीं होता, तो शायद हमारी स्थिति अलग होती है? तो अतीत पर निर्भर करता है। और राजनीति रूप से कैसे, क्योंकि ये सारी इच्छाएं, एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को, एक देश अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को, इच्छाओं को तभी पूरा कर सकता है जैसे इस जैसी राजनीतिक स्थिति उस देश की होगी। अगर उस देश में राजतंत्र है, किम जोन की सरकार है, तो क्या वहां के लोग क्या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे? अगर राजतंत्र है तो क्या एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेगा? क्या वो स्वतंत्र रूप से अपनी अपना विकास कर पाएगा? क्या एक देश अपना विकास कर पाएगा? क्या देश के सभी नागरिक को बेहतर हेल्थ शिक्षा मिल पाएगी? नहीं। तो
राजनीतिक रूप से भी किस के प्रकार की वहाँ शासन व्यवस्था है, अर्थात एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही क्या है, व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है और एक राष्ट्र विकास कर सकता है। तो राजनीति पर निर्भर है, भूगोल पर भी निर्भर है कि वहाँ किस प्रकार के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। अगर तेल हमारे पास नहीं है, खनिज पदार्थ हमारे पास नहीं है, तो हमें अपने विकास की जो तरीके हैं उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो बहुत कुछ निर्भर करता है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अन्य विषयों पर भी क्या है, सामाजिक विषयों पर क्या है, किसी देश का विकास या व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं विकास क्या वायदा करता है, विभिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न विकास के अर्थ होते हैं। ठीक है, विकास को हमने समझा, व्यापक रूप में हमने समझा, एक व्यक्तिगत रूप से भी और राष्ट्रीय रूप से भी, और हम अब देखने का प्रयास करेंगे कि विकास क्या वायदे करता है। ठीक है, जैसा कि विकास एक व्यक्तिगत स्तर पे ये जैसे कि हमने बताया कि हर व्यक्ति की इच्छाएं व आकांक्षाएं, ठीक है, इन सभी मुद्दों को, इन लक्ष्यों को क्या है, विकास के विचारों से जोड़कर देखा जाता है। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और उस दिशा में हम मेहनत कर रहे हैं और उस दिशा में हम बढ़ पा रहे हैं और कल को हम बन पाते हैं, कल को हम बन जाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा विकास हुआ है, हम विकास कर पा रहे हैं। तो विकास में सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं उनका भी बेहतर होना जरूरी है। यानी विकास के लिए जो उपाय हैं, जो तरीके हैं, उन पर भी बात की जाती है, सिर्फ लक्ष्यों की बात नहीं की जाती कि हम अगर कल को भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो ये विकास का लक्ष्य है, लेकिन कैसे कैसे बनेंगे, तरीके क्या होंगे, उपाय क्या होंगे, तभी तो 5 ट्रिलियन। तो वो उपाय व तरीके भी क्या है, एक तरह से विकास का ही एक हिस्सा है, विकास को ही दर्शाते हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि व्यक्तियों के लिए विकास के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए। ठीक है, हर व्यक्ति या समूह के लिए विकास के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक भूमिहीन मजदूर हो, जिसके पास जमीन ना हो, वह अपने, अगर उससे पूछा जाए आपके लिए विकास क्या है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, तो कहेगा कि उसको अच्छी मजदूरी मिले, हाँ, उसको अच्छा मजदूरी मिले, उसको नियमित काम मिले, क्योंकि वो मजदूर है, वो जान एक मजदूर के रूप में वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा बराबर काम मिलता रहे उसको, किसी दिन उसको बैठना ना पड़े, और काम जो करे उसको अच्छी पगार मिले उस पर, ताकि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें, ताकि वो जो मजदूरी कर रहा है कल को उसके बच्चे मजदूरी ना करें, उसके बच्चों की अच्छा शिक्षा मिल सके, उसके परिवार को अच्छा हेल्थ मिल सके, क्योंकि उसके सामने ये यही मुख्य चैलेंज है, क्योंकि वो एक मजदूर है, तो उसके सामने यही चैलेंज है कि उसको, उसके बच्चे कैसे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, 2 वक्त की रोटी कैसे वह नियमित रूप से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सकता है, और अपने व्यवहार के, परिवार के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना, यही उसका एक लक्ष्य रह जाएगा। वो कार और वह 6 मंजिला बिल्डिंग की नहीं सोचेगा। तो इसके विकास के अर्थ अलग है। वहीं एक देख लिया जाए, एक समृद्ध किसान हो, एक समृद्ध किसान क्या सोचेगा, एक समृद्ध किसान का सोच, क्योंकि उसके, वो समृद्ध किसान है, उसके पास बहुत बड़ी जमीन है, ठीक है, तो वह सोचेगा कि बेहतर फसल हो, ठीक है, एक अच्छी फसल हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ठीक है, सरकार द्वारा सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया की जाए, ताकि वो अपने पूरे बड़े से खेत पर क्या, एक तरह से बेहतर फसल उगा सके और उसको मार्केट में बेच सके, अच्छी उसकी आमदनी हो। उसके बच्चे चूंकि अमीर है, तो शिक्षा का कोई बहुत, एक न्यूनतम शिक्षा का कोई परेशानी नहीं है, तब वो क्या सोचेगा, उसके बच्चे विदेश में पढ़ सके, क्योंकि वो समृद्ध है, वो नॉर्मल भाई, एक मजदूर के लिए तो एक सीमित, एक अपने बच्चों को एक न्यूनतम शिक्षा उपलब्ध कराना ही उसके लिए एक तरह से लक्ष्य है, लेकिन एक समृद्ध किसान के लिए विदेशों में शिक्षा उपलब्ध हो उनके बच्चों को, क्योंकि वो न्यूनतम शिक्षा तो करा ही सकता है, वो समृद्ध है, तो वह विदेशों में शिक्षा सोचेगा, उसके पास एक अच्छा घर हो,
बड़ा सा घर हो, उसकी आमदनी बेहतर और बेहतर बने, वो और अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को बढ़ा सके, ठीक है, और उसका समाज में प्रतिष्ठा हो, क्योंकि वो समृद्ध किसान, वो सोचेगा कि हमको सर हमारी गांव में क्या पूरी प्रतिष्ठा सम्मान हो, पंचायत शासन में उसका रोल हो, वो अपनी अपना रोल प्ले कर सके, वो इस तरह का सोचेगा, प्रतिष्ठा सम्मान की बात करेगा, तो उसका लक्ष्य ये होगा, ठीक है। शहर का एक बेरोजगार लड़का क्या सोचेगा, उसके लिए लक्ष्य अलग है, क्योंकि वो शहर में रह रहा है और बेरोजगार है, शहर में रह रहा है तो उसको कोई खर्चे हैं, शहर में उसको घर के खर्चे, आने जाने के खर्चे, तो बेरोजगार के लिए क्या है कि उसको एक नौकरी मिल जाए, एक अच्छी सी नौकरी मिले, ठीक है, परमानेंट नौकरी हो, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके, एक छोटा सा मकान ले सके, या मकान ले रखा है तो उसका किराया भर सके, ठीक है, अपने परिवार को भी वो देख सके, ठीक है, तो ये सोचेगा। ठीक है, तो आदि लोगों के लिए अगर हम देखें हम, तो इच्छाएं व आकांक्षाएं क्या हैं, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि विकास हर व्यक्ति के लिए एक नहीं है, विकास का कोई एक लक्ष्य नहीं है, समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि एक का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विरोधी भी हो सकता है, विनाशकारी भी हो सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये हुई कि दोनों हर व्यक्ति के लिए विकास के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, और दूसरी बात ये हुई कि प्रत्येक का विकास दूसरे के लिए अहितकारी, विनाशकारी या विरोधी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? वास्तव में दो व्यक्ति, दो समूह ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो, जैसे जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपके घर में आपकी बहनें होंगी, वो चाहती होंगी कि मम्मी पापा भाई से काम नहीं कराते, तो एक आपकी सिस्टर चाह सकती है कि मम्मी पापा उससे भी काम कराएं, उसको भी बाहर से सामान लाने के लिए बोलें, घर में बर्तन वर्तन या खाना वाना बनाने के लिए कहें, ठीक है, और वहीं लड़के को ये पसंद नहीं कि हम घर का काम क्यों करें, तो विरोधी हो गए। एक लड़की चाहेगी कि उसको भी भाई की तरह ही उसको भी आज़ादी मिले, वो भी बाहर घूम सके, ठीक है, तो देख रहे हो कि आप किस तरह से क्लैश भी हो सकता है, ठीक है। और इसको व्यापक रूप में देखें देखो, दूसरा एग्जाम्पल, एक उद्योगपति है, उस वो सोचेगा कि बेहतर रेलवे हो, बेहतर सड़क बिछे, बेहतर और बड़े बड़े बांध बनाए जाएं, क्योंकि बांध बनाए जाएंगे तो बिजली पैदा होगी, बिजली पैदा होगी तो उद्योगपति, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनियां, उनको बिजली मिल सकती है। तो एक उद्योगपति क्या चाहेगा कि रेलवे ट्रैक अधिक से अधिक बिछे, सड़कों का जाल अधिक से अधिक बिछे, ठीक है, और बड़े बड़े बांध और बड़े बड़े बिजली संयंत्र स्थापित किए जाएं। लेकिन एक आदिवासी क्या सोचेगा? अगर एक आदिवासी के लिए पूछा जाए बांध बनाना, तो उसके लिए वो विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि बांध जहाँ बनते हैं वहाँ की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि क्या है, भूमिगत हो जाती है, जलमग्न हो जाती है, और लाखों की मात्रा में, लाखों के तादाद में लोगों को क्या है, विस्थापित होना पड़ता है वहाँ से, और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, जिससे उनकी संस्कृति प्रभावित होती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वहाँ की उसकी संस्कृति है, क्योंकि किसी भी समूह या समुदाय की संस्कृति उस स्थान विशेष पर निर्भर करती है, ठीक है, कि वहाँ किस तरह पर का क्लाइमेट है, किस तरह का वहाँ अन्न उत्पन्न होता है, किस तरह का वहाँ रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं। अगर किसी को गुजराती को उठा के यूपी ले आ दोगे तो उसका कल्चर बिल्कुल अलग है, क्योंकि गुजराती का खाना पीना ट्रेडिशन बिल्कुल अलग, यूपी का ट्रेडिशन खाना पीना बिल्कुल अलग। तो आदिवासी से पूछोगे, अगर आदिवासी की एक जमीन है छोटी सी, पहाड़ों पर रह रहा है, अगर वहाँ रेलवे बिछा दिया जाए तो पहाड़ों को काट कर रेलवे बिछाना पड़ेगा, तो उसका आवास प्रभावित होगा। आदिवासी जंगलों में रहते हैं, जंगलों पर निर्भर करते हैं, अगर सड़कें व रेल बिछाए जाओगे तो जंगल को, पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो एक आदिवासी के लिए क्या यह हितकारी हो सकता है? हो सकता है उसके विनाशकारी हो जाए, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाए, क्योंकि वह शहर में उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता एक आदिवासी। वह वनों में निर्भर है, लकड़ियों पर निर्भर है, वन संपदा पर निर्भर करता है,
ठीक है, उसके ट्रेडिशन वो बिल्कुल अलग थलग रहता है मेन स्ट्रीम से। तो अगर हम बांध बनाएंगे या इस तरह से सड़कें रेलवे बिछाएंगे तो वनों को काटना पड़ेगा, जमीन कितने सारे भूमिगत हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, तो उससे ऐसे तबके क्या है प्रभावित हो सकते हैं और उनके जीवन में क्या है एक तरह से अहितकारी बदलाव आ सकते हैं। तो हम देखें कि एक का विकास क्या है दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो आपसे प्रश्न आएगा तो आप लिखना। तो दो महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या निकल कर आई, पहली बात तो ये अलग अलग लोगों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, वहीं दूसरा यह कि एक का विकास दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। जैसे हमने बताया कि पूंजीपति और मजदूर, इन दोनों से पूछोगे तो हमेशा इन दोनों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होंगे। एक पूंजीपति ये चाहेगा कि सस्ते दर पे मजदूर मिले जिससे उसकी लागत कम होगी, एक मजदूर चाहेगा नहीं मुझे कम से कम काम करना पड़े और अधिक से अधिक वेतन मिले। तो हमेशा ही ये दोनों के लक्ष्य क्या हैं हमेशा ही विरोधी होते हैं, पूंजीपति के और मजदूर के। क्योंकि तो पूंजीपति चाहता है लागत में कमी लाने के लिए, वो चाहता है कि वो अपने मजदूर से अधिक से अधिक काम करवाए और कम से कम वेतन देना पड़े, वही मजदूर उल्टा चाहता है कि मुझे कम से कम काम करना पड़े, एक सीमित काम करना पड़े और अधिक वेतन मिले। तो कभी दोनों के हित समान नहीं हो सकते, हमेशा ही क्लैश होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आय और अन्य लक्ष्य। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, आय और अन्य लक्ष्य से आप क्या समझते हैं। देखो भले ही विकास के लक्ष्य अलग अलग हों लोगों के लिए, ठीक है, एक मजदूर के लिए, एक समृद्ध किसान के लिए, एक एक बेरोजगार के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, भले ही अर्थ अलग अलग हो, लेकिन एक मुख्य बात इसमें एक कॉमन ये है कि भले अर्थ अलग अलग होते हैं लेकिन आय में वृद्धि को ही क्या है लोग विकास से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, एक बेरोजगार भी के लिए ठीक है लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है आय की तो बात कर रहा है, एक समृद्ध किसान के अर्थ विकास के भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न है लेकिन वो भी एक तरह से इनकम की ही बात कर रहा है, एक मजदूर के भी विकास के अर्थ अलग अलग है लेकिन वो भी एक इनकम की बात ही कर रहा है। यानी कि आप एक कॉमन फैक्टर देख रहे हो कि इनकम में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, पैसे धन कमाए, धन आ सके आपके पास, तो इसको क्या है विकास से जोड़कर या वृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि हम मानते हैं कि धन आएगा तो धन से क्या हम हर चीजें प्राप्त, हर संसाधन को, हर सुविधा को हम क्या है प्राप्त कर सकते हैं, हर वस्तु की, हर आवश्यकताओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो एक तरह से आय जो क्या है, इनकम क्या है, एक प्रमुख फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर है जो हर व्यक्ति विकास से जोड़कर देखता है। ठीक है, ठीक है। तो लोग हमेशा यह चाहते हैं कि उनकी इनकम में वृद्धि हो, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि उनकी इनकम में वृद्धि होगी तो वह क्या है सारी सुख सुविधाओं को क्या है प्राप्त कर सकते हैं, वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, वह एक अपने परिवार के लिए हेल्थ प्रोवाइड करा सकते हैं, वह एक घर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं। और यहाँ तक कि लोग ये भी मानते हैं कि आपके पास धन संपदा होगी तो आपको प्रतिष्ठा व सम्मान भी समाज में मिलेगा, अर्थात प्रतिष्ठा व सम्मान व बराबरी को भी बहुत से लोग क्या है धन से जोड़कर देखते हैं। और ये बात सच भी है क्योंकि हमारे यहाँ जो गैर बराबरी है या आदर व सम्मान क्या है वह कहीं ना कहीं आपकी धन संपदा पर निर्भर करती है। अगर कोई धन संपदा में संपन्न है, बड़ा परिवार है, पैसे वाला है, तो उसको लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, बाबू कहते हैं, साहब कहते हैं। वहीं किसी पास गरीब है, भले वो कितनों एजुकेटेड हो लेकिन गरीब है, पैसा नहीं है, तो आप उसे क्या है उस तरह से वो सम्मान व आदर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आय तो विकास को पहला तो लोग आय में वृद्धि से जोड़कर देखते हैं, वहीं आय के साथ साथ दूसरे फैक्टर भी इसमें जोड़े जाते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा व दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा रखते हैं। ठीक है, जीने के लिए सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है, ये एक कारक हो सकती है, मगर एक बेहतर जीवन क्या है
अभौतिक तत्वों पर भी निर्भर करता है। अब कैसे? ठीक है, आय तो हो गया, लेकिन दूसरा यह भी होता है, अगर आपकी इनकम अच्छी हो लेकिन आपको जंजीरों में बांध के रखा जाए, आपको पांच कहा जाए आपको 5 लाख रुपया देंगे हर महीने, लेकिन एकदम भेड़ की तरह काम करो, बैल की तरह काम करो 24 घंटा, और आपको जो भी बचा समय है उसमें भी आपको बांध कर रखा, जैसे बागानों में मजदूरों को रखा जाता था, गिरमिटिया मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाता था, तो उनको जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, उनको बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो क्या आप ऐसा काम करना चाहोगे कि 5 लाख रुपया मिले लेकिन आपको घर आने जाने ना दिया जाए, आपको 24 घंटा एक कमरे में बंद करके रखा जाए, आपको आज़ादी ना हो, आपको सुरक्षा ना हो, ठीक है, आपको बराबरी का व्यवहार ना किया जाए, ठीक है, आपको काम तो दिया जाए लेकिन आपके साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया जाए, आपको दूसरों से प्रतिष्ठा व सम्मान ना मिले, तो एक बेहतर जीवन अर्थात विकास का जो अर्थ है वो आय में वृद्धि के साथ साथ प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और आजादी से भी जोड़कर देखा जाता है। यानी ये सब चीजें अभौतिक हो गई, प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर, ठीक है, बेहतर पर्यावरण, बेहतर स्थिति में कार्य करना, सुरक्षा हो जॉब की, ठीक है, हेल्थ अच्छी हो सके, एजुकेशन अच्छा हो सके, आप परिवार से मिलजुल सके, ठीक है, आपको आजादी हो, ठीक है, आपको छुट्टी मिल सके, तो ये सारी चीजें अभौतिक चीजें हैं जो इंसान के जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाती हैं। सिर्फ इनकम क्या है, इंसान को बेहतर नहीं बना सकता, बाकी चीजें अगर ना मिले, सिर्फ इनकम मिले तो वो अधूरापन है, ठीक है। तो बेहतर आय के साथ साथ बेहतर पर्यावरण, बेहतर परिस्थितियां भी हो, सुरक्षा भी हो, आजादी भी हो, सम्मान भी हो, आदर भी हो, सम्मान भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, ये सारी चीजें जब किसी व्यक्ति को मिलती हैं तो हम मानते हैं कि वह विकास है। यानी कि भौतिक और अभौतिक दोनों तत्वों का होना अनिवार्य है। अब जैसे एक उदाहरण के साथ, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के स्थानों पर नौकरी दी जाए, यानी आपके घर से आपकी नौकरी 100 किलोमीटर की दूरी पर हो, ठीक है, तो आप आय के बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। आप क्या क्या देखोगे? परिवार के लिए सुविधाएं, क्या मैं परिवार में बराबर आ पा रहा हूँ? 100 किलोमीटर दूर हो, आप रेगुलर नहीं आ पाओगे। अगर आपको जहाँ काम दिया गया है वहाँ कहा जाए कि आपको घर नहीं जाना, आपको यहीं रहना है, ठीक है, तो आप घर से आ जा नहीं पा रहे, परिवार से मिल नहीं पा रहे रेगुलर, चल चल पच पच महीने हो जाते हैं आपको, तो इन सब चीज़ों पर भी आप चर्चा देखोगे, ठीक है। आप ये भी देखोगे कि पर्यावरण कैसा है, आप जहाँ काम कर रहे हो क्या वो गंदगी से भरा हुआ काम है या एक गंदे माहौल में आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे आपको चीनी मिल में काम करना पड़ जाए, आपको चमड़े के उद्योग में काम करना पड़ जाए, जहाँ स्मेल है, जहाँ हमेशा स्वास्थ्य और जान का खतरा है, आप इसको भी देखोगे। और आप ये भी देखोगे कि आप जहाँ काम कर रहे हो तो उससे आप और क्या बेहतर सीख रहे हो, ये भी देखोगे, ताकि हम कहीं काम करें तो वो काम ऐसा हो जो हमारे स्किल को बढ़ाए, हमें और सीखने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम और बेहतर कर सकें, ये भी आप अवसर देखोगे। ठीक है, यदि किसी नौकरी में वेतन कम हो मगर यह नियमित रोजगार हो जिससे आपकी सुरक्षा होती है, ठीक है, तो आप ऐसे रोजगार को लेना चाहोगे या ऐसा रोजगार जिसमें आपको वेतन तो ज्यादा मिल रहा है मगर कार्य की सुरक्षा नहीं है और परिवार के लिए आप पर्याप्त समय नहीं निकाल पा रहे और जिससे आपकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? यानी आपको एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें 1 लाख रुपए मिल रहे हों लेकिन वह नियमित हो, बेहतर अवस्था में काम कराया जा रहा हो, आप बराबर परिवार से मिलजुल पा रहे हैं, तो वो आप नौकरी लोगे या एक नौकरी ऐसी जो 5 लाख हो लेकिन नियमित नहीं है, कब निकाल दिया जाए कुछ पता नहीं, अवस्था बेहतर नहीं है, परिवार से आप रोज संपर्क में नहीं आ पा रहे, तो आप किस तरह की नौकरी? तो आप ये देख रहे हो कि सिर्फ आय क्या है महत्वपूर्ण नहीं है। अगर पूछा जाए कि विकास में क्या आय महत्वपूर्ण है,
या विकास के लिए सिर्फ आय महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य साधन भी महत्वपूर्ण है, उदाहरण के साथ समझाइए, तो आप ये बताओगे। तो एक व्यक्ति ये देखेगा, भले हमको 1,00,000 मिले लेकिन मैं परिवार से संपर्क में रह सकूं, वो जॉब हमारी नियमित हो, कभी हमसे जॉब छूटे ना, हमारी हेल्थ के लिए फैसिलिटीज़ मिले, और भी चीज़ हम परिवार से बराबर मिलजुल सकें, सुरक्षा हो, आज़ादी हो, एक सीमित घंटे में हम काम कर रहे हों। वहीं 5,00,000 मिली, आपसे 12 घंटा काम कराया जा रहा है, आपको आने जाने से रोका जा रहा है, दूर आपको कहीं काम मिला है, कहीं खदानों में आप काम कर रहे हैं, तो सारी तो आप सिर्फ आय के को ही नहीं देखते बल्कि आय के साथ अन्य अन्य पहलुओं को भी आप देख रहे हो और डिसाइड करते हो कि आपके लिए बेहतर क्या है, और आप अपने लक्ष्य या गोल निर्धारित करते हो। ठीक है, तो दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। अब जैसे महिलाओं को भी देखा जाए तो महिलाएं क्या है, संरक्षित और सुरक्षित स्थानों पर या ऐसा माहौल मिले महिलाओं को सुरक्षित हो, जिन पर उनका कोई खतरा ना हो, उनके जीवन पर, उनकी अस्मिता पर किसी प्रकार का खतरा ना हो अगर, और संरक्षित वातावरण हो, तो ऐसे माहौल में क्या है, महिलाएं ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं पर तो बहुत ये सटीक लागू होता है। अगर मर्दों के बीच में महिलाओं को काम करना पड़े घर से दूर, तो कोई महिला नहीं जाके काम करेगी, कितना पैसा हो जाए, क्योंकि उसको हमेशा डर रहे कहीं उसकी अस्मिता पर खतरा ना हो। तो एक सुरक्षित माहौल, एक संरक्षित माहौल में ही क्या महिलाएं बेहतर ढंग से काम कर सकती हैं। ठीक है, या विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। और बाहर काम करने वाली महिलाओं को भी क्या है, आप देखोगे कि घर में अधिक सम्मान मिलता है। ठीक है, अर्थात जो महिलाएं बाहर काम करती हैं, नौकरियां करती हैं, व्यापार करती हैं, इनकम कमाती हैं, उनको क्या है, घर में अधिक प्रतिष्ठा व सम्मान मिलता है, बजाय उस महिला के जो महिला घर में घरेलू महिला के रूप में रहती है। ठीक है, तो किस तरह से आप देख रहे हो कि इनकम, आय और अभौतिक जो तत्व हैं, कारक हैं, या सुरक्षित वातावरण, संरक्षित माहौल, ठीक है, सम्मान, प्रतिष्ठा, किस तरह से क्या है, दोनों ही चीज़ें क्या है, एक तरह से विकास को परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, बेहतर आय ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य पहलू भी क्या है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, अब प्रश्न आप नोट करिए, प्रश्न एक है, अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग मायने होते हैं, क्यों? ठीक है, उदाहरण देकर बताइए। लोगों के लिए विकास का अर्थ भिन्न भिन्न होता है तथा लोगों के विकास परस्पर विरोधी हो सकते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तीसरा, कुछ ऐसे उदाहरण दो जिसमें आय के अतिरिक्त अन्य कारक भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न चार, भूमिहीन मजदूर, समृद्ध किसान, एक विद्यार्थी, एक पत्रकार, एक लेखक और एक समृद्ध परिवार की लड़की तथा एक बेरोजगार युवक के लिए विकास के अर्थ क्या हो सकते हैं? आप सबके बारे में बताओ कि पांच, मैंने जो छह वो नाम दिए, एक समृद्ध किसान, एक मजदूर, एक बेरोजगार लड़का, एक समृद्ध परिवार की लड़की, इन सब के लिए विकास के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, दो दो बातें लिखिए। ठीक है, अब हम आते हैं राष्ट्रीय विकास। हमने व्यक्तिगत रूप से तो देख ही लिया, अब हम देखते हैं देश के संबंध में विकास का क्या अर्थ हो सकता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में भी, देश के विकास के विषय में भी क्या है, लोगों के भिन्न भिन्न धारणाएं हो। ठीक है, धारणाएं भिन्न भिन्न हो और परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हर व्यक्ति अपने लिए विकास का अर्थ अलग अलग लगा रहा है, उसी तरह देश के विकास के लिए भी लोगों की धारणाएं अलग। एक मजदूर से पूछा जाए कि देश का विकास क्या होना, तो वो अपने संबंध में क्या है, देश के विकास को जोड़कर देखिएगा कि देश का विकास इस तरह हो कि मजदूरों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। एक समृद्ध किसान ये सोचेगा देश का विकास ऐसा हो जिसमें समृद्ध किसानों के हित साधन हो। एक बेरोजगार युवक ये सोचेगा देश का विकास का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक नौकरियां निकाली जाए सरकार द्वारा, समझ रहे?
तो हर व्यक्ति और धारणाएं भी अलग अलग हो सकती हैं और तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। यानी कोई कह सकता है कि नहीं विकास के लिए ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए, कोई कह सकता है नहीं विकास का ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। जैसे पूंजीवादी देश जो कहते हैं, जो पश्चिम यूरोप के देश हैं, वो कहते हैं कि पूंजीवाद क्या है, विकास का एक अच्छा मॉडल है। वहीं रूस चाइना जैसे लोग कहते हैं नहीं समाजवाद साम्यवाद एक अच्छा मॉडल है। तो विकास के तरीके मॉडल भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो हमने चूंकि देखा कि भिन्न भिन्न लोगों के लिए क्या है, विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी, और देश के संबंध में भी अगर लोगों से पूछा जाए तो क्या है विकास की धारणाएं क्या है, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, तो या परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। तो इस स्थिति में सभी विचारों को क्या समान महत्व दिया जा सकता है या परस्पर विरोधी हैं तो कैसे निर्णय किया जाए। मतलब अगर सबके विचार अलग अलग हैं विकास को लेकर, देश के विकास को लेकर, तो क्या सभी विचारों को समाहित किया जा सकता है। मतलब कैसा ऐसा मॉडल कैसा बनाया जाए जिसमें सभी को लगे कि हाँ हाँ सही तरीका है विकास का, या अगर परस्पर विरोधी हैं तो फिर कैसे डिसीजन हो। अगर कोई कहे नहीं पूंजीवादी मॉडल खराब है, कोई कहे नहीं नहीं साम्यवादी मॉडल खराब है, या ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका इस समूह के लिए विनाशकारी हो जाएगा, जैसे कुछ तबका हो, जैसे मेधा पाटेकर और जैसे बहुत सारे आंदोलनकारी थे, वो बड़े बड़े बांधों का विरोध कर रहे थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत, ठीक है, चिपको आंदोलन के तहत पेड़ काटने पर मनाही थी, आंदोलन किया गया था, लेकिन उद्योगपतियों से पूछोगे तो वो तो कहेंगे भाई पेड़ काटो तभी उसी से लकड़ी हुई फर्नीचर बनेगा, बड़े बड़े बांध बनाओ, बिजली संयंत्र स्थापित करो, तभी अधिक से अधिक बिजली उत्पन्न होगी, तभी मॉडर्न हो पाएंगे। लेकिन मेधा पाटेकर और चिपको आंदोलन में सुंदर बहुगुणा से पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं ये विकास नहीं है, ये तो इससे तो आदिवासियों का अहित हो रहा है, लोगों का अहित हो रहा है, कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जा रही है, पेड़ों के कटाव से पर्यावरण दूषित होगा, और पेड़ों के जंगलों के कटाव से जो वहाँ रहने वाले आदिवासी हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो विकास के अर्थ अलग अलग हैं सबके और परस्पर विरोधी भी हैं, तो फिर डिसीजन कैसा हो, मतलब ऐसा निर्णय कैसे, मतलब विकास का कौन सा निर्णय, कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाए जिससे सभी संतुष्ट हो सके। तो ये चैलेंज होता है गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने, कि विकास का क्या तरीका अपनाया जाए और उन तरीकों और ऐसा तरीका हो जिसमें सभी के विचार, सभी की मान्यताएं, सभी का विश्वास समायोजित हो सके, ठीक है। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन बातों पर विचार करना है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास का अर्थ अभिप्राय या इन बातों पर विचार होता है कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी। मतलब विकास ऐसा हो जो सभी के लिए न्यायपूर्ण हो, सभी तबके उसका लाभ उठा सकें, और सही राह क्या होगी यानी तरीका क्या होगा। मतलब विकास ऐसा हो जो सभी को फायदा पहुंचाए, किसी को भी अहित ना हो, मतलब एक व्यक्ति भी उससे ऐसा विकास ना हो जिससे एक व्यक्ति प्रभावित हो जाए, यानी न्यायपूर्ण हो और प्लस राह उसकी ऐसी हो जो सभी उसको माने, ठीक है। तो इन सब बिंदुओं पर क्या है राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय होता है। कार्य करने का कोई एक ऐसा बेहतर तरीका हो सकता है, ठीक है, जिससे सभी वर्गों को लाभ हो, ये भी देखना महत्वपूर्ण होता है कि हम विकास जो कर रहे हैं या जो तरीका अपना रहे हैं उससे क्या कुछ समूहों को लाभ है, जिससे कुछ समूह रह जा रहे हैं, वंचित रह जा रहे हैं, या सभी तबकों को इससे लाभ पहुंच रहा है, ये भी देखना जरूरी है। तो ऐसे राह को अपनाना या ऐसे तरीकों को खोजना जरूरी है जिससे सभी को लाभ हो, ऐसा तो नहीं कि किसी एक ही तबके को लाभ हो, सिर्फ समृद्ध लोगों को लाभ हो। अब जैसे अभी किसान बिल आया है, मोदी जी ने 3 किसान बिल पारित कराए हैं, उसका विरोध हो रहा है, बीजेपी कह रही है किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, इससे किसान स्वतंत्र रूप से अपने सामानों को, अपने फसलों को क्या है मनचाहे दाम पर बेच सकता है। वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टी कह रही नहीं नहीं ये तो कांग्रेस किसान विरोधी है, इससे किसान क्या है उद्योगपतियों के अधीन हो जाएगा, चंगुल में फंस जाएगा। तो अब बताओ, तो तरीके अलग अलग हैं और इसी पे क्लैश है, तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं, पंजाब में हरियाणा में आप देखो किसान आंदोलन चल रहे हैं,
रेलवे जाम कर दिया गया है, ठीक है, ट्रैक पर लोग बैठ गए हैं, तो किस तरह से विचारों में विचार अलग अलग हैं और राह अलग अलग है। तो राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय यही है कि ऐसा विचार विकास का ऐसा या ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना जिसमें सभी के हित समाहित होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने भी के लिए भी ऐसा तरीका भी अपन प्राप्त करना खोजा जाना जरूरी है जिससे सभी लोगों को फायदा हो सके, यानी सभी के हित समाहित हों, सभी तक वो लाभ पहुंच सके। तो उसके लिए क्या है, एक ऐसे विकास का हमें विचार खोजना होगा और ऐसी राह खोजनी होगी, ऐसा तरीका भी हमें खोजना होगा जिससे यह विकास क्या है, न्यायपूर्ण और सभी के लिए उपलब्ध हो सके। प्रश्न, आपके देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, एक देश के रूप में देखिए। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, एक गांव, शहर या स्थानीय क्षेत्र में के लिए विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। Next page. Double tap that. ठीक है, यदि विकास की धारणा, यदि विकास की धारणा में भिन्नता और परस्पर विरोधी हो सकते हैं तो निश्चित ही विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। ठीक है, अब जैसे पूरे विश्व में देखे जाए तो विकास के कई सारे मॉडल प्रसिद्ध हैं। समाजवादी मॉडल, लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था को बेहतर, किसी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना तो समाजवादी मॉडल होना चाहिए। विकसित देश कहते हैं, जो पूंजीवादी देश हैं जो पश्चिम यूरोप के, वो कहते हैं नहीं, पूंजीवादी मॉडल अच्छा है। भारत ने मिक्स इकोनॉमी अपनाई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। समाजवादी मॉडल कहता है सारी अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, तभी बेहतर उत्पादन हो सकता है। पूंजीवादी कहते हैं नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए, बाजार के ऊपर छोड़ देना चाहिए, राज्य का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर हम मार्केट को ओपन मार्केट, मुक्त बाजार रखेंगे, लोग अपनी इच्छाओं से व्यापार कर सकेंगे, आयात निर्यात मुक्त रूप से होगा तो विकास अच्छा हो पाएगा, लोगों की जीवन बेहतर हो पाएगा। मिक्स इकोनॉमी, भारत ने जो इकोनॉमी अपनाई थी उसने कहा नहीं, राज्य का भी नियंत्रण होना चाहिए, प्लस हमें क्या है, उद्योगपतियों को भी क्या है, मौका देंगे, यानी मिक्स, यानी जो बड़े बड़े उद्योग संयंत्र हैं जैसे स्टील, कोयला, बिजली, इस तरह के बड़े बड़े जो संयंत्र हो तो उसको राज्य संचालित करेगा, और जो छोटे छोटे अपना उत्पादन है जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं और भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इन सब चीज़ों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा, तो दोनों को साथ में ही लेकर चलेंगे। तो इस तरह से दुनिया भर में कई सारे मॉडल प्रचलित हैं और अपने अपने मॉडल को वो क्या है, अपने अपने तरीके से चलाते हैं और अपना देश का विकास करते हैं। ठीक है, तो अपने आसपास लोगों से पूछिए, टेलीविज़न देखिए और चर्चा कीजिए क्या है इसमें। अब हम आगे आते हैं, विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए। ठीक है, आखिर विकास के अर्थ अलग अलग हैं, विकास के तरीके अर्थ अलग अलग हैं, तो फिर चूँकि हर देश के विकास का मॉडल अलग है, हर देश का विकास का तरीका अलग है और विकास के अर्थ अलग अलग लगा रहा है, तो फिर किसका विकास अच्छा होगा, किस कौन सा विकास बेहतर होगा, कौन सा विकास नहीं बेहतर होगा, इसकी तुलना भी तो करनी पड़ेगी भाई। कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता अच्छा नहीं है, तो इसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा ना, कि हम पूंजीवादी मॉडल को अपना रहे हैं तो पूंजीवादी मॉडल को देखना पड़ेगा समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी, तुलना करनी पड़ेगी, तो फिर तुलना कैसे होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार विकास का अर्थ अलग अलग होता है, उसी प्रकार क्या है, कुछ देशों को क्या है, विकसित, अविकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे विकास के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, विकास के मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, तो विकास के ही आधार पर क्या है, पूरे समूचे विश्व को देखोगे तो कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो विकासशील हैं, कुछ ऐसे देश जो अल्प विकसित हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो अविकसित हैं, ऐसे डिवाइड कर दिया गया। और अब बात आ गई, आखिर ये डिवाइडेशन क्यों किया गया। अच्छा, विकसित कोई देश है
तो आखिर विकसित क्यों कहा गया, क्या ऐसी चीजें वहां हैं जिससे उनको विकसित कहा गया, ऐसा विकास का क्या तरीका है, विकास क्या हो गया है, ऐसा क्या विकास हुआ है जिससे उनको विकसित कहा गया, विकासशील में क्या है, विकासशील अभी मतलब किसी देश को विकासशील क्यों कहा जाता है, वहाँ का विकास किस स्तर तक पहुँचा है। कुछ तो ऐसी बातें होंगी, कुछ तो ऐसा विकास की सीमाएं ऐसी होंगी जिससे उसको विकसित कैटेगरी में रखा जाता है, विकासशील कैटेगरी में रखा जाता है, अल्प विकसित या अविकसित। अविकसित तो हम समझ सकते हैं जहाँ उद्योग शुरुआती ना हुई हो, जहाँ इंडस्ट्री जहाँ शुरू ही ना हुई हो, अभी भी लोग एकदम गैर परंपरागत तरीके से ही क्या कृषि पर निर्भर हो, ऐसा कोई देश है तो उसको अविकसित मानते हैं। जहाँ थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ हो, कुछ कुछ उद्योग स्टार्ट हुए हों, लेकिन बहुतायत मात्रा में अभी भी कृषि पर ही लोगों का जीवन चल रहा हो, एजुकेशन ना हो, हेल्थ ना हो, तो उसको अल्प विकसित। विकासशील यानी कि वहाँ तेजी से उद्योग लग रहे हों, बहुत तेजी से लोगों की ज़िंदगी में सुधार आ रहा हो तो उसको विकासशील कर लेंगे। विकसित में या जहाँ एकदम अच्छी खासा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी है, लोगों को पर्याप्त रोजगार मिलता है, बेरोजगारी कम है, गरीबी कम है, खत्म हो चुकी है या नाम मात्र की है, तो ऐसे देश को तो कुछ तो मापदंड रखे गए होंगे कि ये चार कैटेगरी जो बनाई गई देशों की, तो कुछ तो मापदंड रखे गए होंगे। ठीक है, तो इसी मापदंड को हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस आधार पर क्या है किसी देश को विकसित, अविकसित, विकासशील या अल्प विकसित देशों में रखा जाता है। तो उसके लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। ठीक है, और उन मापदंडों के आधार पर विभिन्न देशों में क्या है तुलना की जाती है। अगर हम इंडस्ट्री को आधार बनाएं, उद्योग को, तो देखेंगे विकसित देश में उद्योग का क्या दायरा है, विकासशील में क्या दायरा है। अगर हम शिक्षा को बनाते हैं तो शिक्षा को मापदंड देखेंगे, हेल्थ को बनाते हैं हेल्थ को देखेंगे, रोजगार को बनाते हैं रोजगार को देखेंगे। ठीक है, तो विभिन्न देशों के बीच में क्या है तुलना करके किया जाता है। तो प्रारंभ में क्या है, यह तुलना करने का आधार आय को माना जाता था, यानी किसी देश की आय, व्यक्ति की नहीं, किसी देश की आय जितनी अधिक होगी उसको विकसित देश में रखा जाएगा। ठीक है, अधिक आय का अर्थ होता है, आखिर आय को क्यों माना जाता था, क्योंकि अधिक आय का मतलब ये होता है, अगर किसी देश की आय या किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक है तो इसका मतलब है कि मानव से संबंधित आवश्यकताओं, आवश्यक वस्तुओं का अधिक होना। भाई आय होने का मतलब है कि मानव संबंधी आवश्यकताओं का, सभी वस्तुओं का अधिक होना, आवश्यक व पसंदगी वस्तुओं को प्राप्त कर पाना। ठीक है, ज़्यादा आय का जो प्रमुख लक्ष्य क्या है, साधन समझा जाता है, सारे संसाधन साधन उपलब्ध हों। ठीक है, उसको हम ज़्यादा अधिक आय से जोड़कर देखा जाता था। ठीक है, एक देश की आय का अर्थ होता है उस देश की सभी निवासियों का कुल आय, यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर कुल जनसंख्या की आय का योग। अर्थात किसी देश की आबादी 10 करोड़ है तो 10 करोड़ की आबादी, 10 करोड़ों की लोगों की जो आय को जोड़ दो तो वो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। ठीक है, देश की आय बराबर देश के कुल नागरिकों की आय का योग। ठीक है, लेकिन यह तरीका आगे चलकर उतना कारीगर नहीं हुआ, क्योंकि हर देश की जनसंख्या अलग अलग है। अब आप फॉर एग्जांपल, एक देश की जनसंख्या 5 है, 5 लोग रहते हैं और सबकी आय 10-10 रुपया है, तो आप कहोगे टोटल आय 50 रुपया हो गई। एक देश की आय 100 है, जनसंख्या 100 है और उस देश की प्रत्येक व्यक्ति की आय 1 रुपया है, तो टोटल 100 हो गई, तो आप क्या कहोगे, 100 रुपया तो ऐसे तो देखने में 100 रुपया ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 50 रुपया कम लग रहा है, लेकिन अगर हम नज़दीक से देखें, गहराई से देखें, तो प्रत्येक व्यक्ति 10-10 रुपये कमा रहा है और वहाँ प्रत्येक व्यक्ति 1-1 रुपया कमा रहा है, तो क्या सिर्फ राष्ट्रीय आय की गणना करना उचित है? क्योंकि हर भाई, या तो ये पॉपुलेशन एक जैसी हो तब तो आप करो तो ठीक भी हो, लेकिन पॉपुलेशन अलग है, जबकि एक देश में 140 करोड़ की आबादी है, कोई देश में 20 लाख की आबादी है, किसी देश भारत में 130 करोड़ की आबादी है, तो ब्रिटेन जर्मनी जाके देखो तो वहाँ 6-8 करोड़ की आबादी है। अगर राष्ट्रीय आय के मामले में तो रसिया हमसे पीछे है,
ग्यारहवें नंबर पे आता है, तो क्या वो हम, लेकिन रसिया को विकसित देशों में रखा जाता है, समृद्ध देशों में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ की आबादी 14 करोड़ है, तो 14 करोड़ से उसको डिप करोगे तो प्रति व्यक्ति आय उसकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति तो भाई व्यक्तियों से मिलकर देश बना है, तो व्यक्तियों की आय जितनी अच्छी होगी वह देश अच्छा माना जाएगा, और आबादी अधिक होने से क्वांटिटी तो अधिक हो जाएगी लेकिन क्वालिटी कहाँ आएगी। अब भारत की आबादी 135 करोड़ है तो हम ओवरऑल जीडीपी में तो रसिया से ऊपर हैं, लेकिन 135 करोड़ में उसको डिवाइड कर दें तो प्रति व्यक्ति तो कुछ नहीं आ रहा ना, वो तो कम हो जा रहा। तो आगे चलकर क्या है, चूंकि हर व्यक्ति की जनसंख्या अलग अलग है तो सिर्फ आय ज्ञात कर लेने से ही क्या है, यह नहीं पता चल पाता कि प्रति व्यक्ति औसत कितना कमाता है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की समृद्धि ही देश की समृद्धि है। प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध होगा, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बेहतर होगा, तब वह देश का वह देश क्या बेहतर या विकसित माना जाना चाहिए, क्योंकि ये सही मापदंड होना चाहिए। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, यानी एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों से बेहतर हैं, यह ज्ञात करने के लिए औसत आयों की तुलना की जाती है। किसी देश की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, किसी देश की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कुल आय का कुल जनसंख्या से डिवाइड, अर्थात राष्ट्रीय आय जो थी उसको कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दो, यानी कुल आय, यानी कुल जनसंख्या को कुल आय पे एक बार जोड़ दो फिर जनसंख्या से डिवाइड कर दो, तो प्रति व्यक्ति वो औसत निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दो देश हैं, दोनों की आबादी 5-5 है मान लो, ठीक है, एक देश में जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10-10 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आय 50 हो गई, और एक देश की आय मान लो 10 है या 100 है और वो 1-1 रुपया कमा रहा है, तो फिर दोनों में हमने देखा था कि प्रति व्यक्ति और उसको डिवाइड करा जाए, दोनों की औसत आय निकाला जाए, तो 5 वाले जो 5 जनसंख्या उसका 10 रुपया प्रति व्यक्ति आएगा और जो 100 जनसंख्या उसका 1 रुपया प्रति व्यक्ति आएगा। तो अगर हम दोनों देशों की व्यक्तियों की तुलना करें तो 10 रुपया कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा बेहतर जीवन व्यतीत कर पा रहा होगा बनस्पत 1 रुपया कमाने वाले से, ठीक है। लेकिन सिर्फ औसत आय भी सही मापदंड नहीं है, ठीक है, औसत आय से भी एक अच्छा मापदंड है जिसको हम अगली कक्षा में बात करेंगे, ठीक है। आज का प्रश्न नोट करिए, राष्ट्रीय आय और औसत आय में प्रमुख अंतर क्या है, ठीक है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, अब हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे कि औसत आय में क्या कमी होती है और औसत आय के अलावा भी क्या कोई और तरीका है जिससे किसी देश के राष्ट्रीय विकास को मापा जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद।